ये जी अल्हम्दुलिल्लाह इन सब भाइयों की बड़ी मोहब्बत है और अब हम जी अपनी इस खुशी में अपने सब व्यूअर्स को भी आपको भी साथ शरीक कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? आज जी आप लोग सब देख रहे हैं क्योंकि हम रात में इस टाइम तकरीबन कोई बज रहे हैं जी 11:30, 11 कुछ बड़े प्यारे भाई आए हुए थे तो हम गपशप कर रहे थे बड़ी मज़े की, तो मैंने कहा आप सब भाइयों को भी हम साथ शरीक कर लें। ये जी हैं काशिफ भाई, ये बिलाल भाई हैं, वो जुनेद भाई हैं। अच्छा देखें, इस लव बर्ड की जो हॉबी की खूबसूरती है ना सर, वो सिर्फ तोते बेचना और पैसे कमाना नहीं है। इधर अब लोगों का कॉन्सेप्ट क्या बन गया कि जी लव बर्ड लगाएं और पैसे कमाएं, सर ऐसा नहीं होता। लव बर्ड में कुछ आपको सच्ची दोस्तियाँ, कुछ आपके ऐसे भाई बनते हैं कि जो आपकी वाकई हर खुशी और हर गम में शरीक होते हैं। मेरा ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सपना था कि यार मैंने जो है ना भाई जी डाला लेना है, अभी काला डाला लेना है, भाई रेवो डाला लेना है। उस टाइम तो रेवो नहीं होता था, उस टाइम वीगो होता था, जब ये हमारा सपना था। तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, अल्लाह ताला हर मुसलमान की और हर हमारे भाई की और हर हमारे दोस्त की ख्वाहिश को पूरा करे। अच्छा हुआ क्या है कि जी 2023 में अल्लाह ताला ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी करवा दी और ये जो इन तीन भाइयों का एक बड़ा खूबसूरत सा ग्रुप है, ये जी आज मुझे उसकी जो है ना मुबारकबाद और जो है ना गुड विश देने के लिए जी केक लेके आए हैं भाई जी रेवो डाले का। ये अब इनकी मोहब्बत है यार। ये मेरे पास कोई फेसबुक पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई 13-14 हज़ार फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब है, सारा कुछ है, लेकिन ये जो इन तीन भाइयों ने जो काम किया और जो खुशी मुझे मिली है ना यार, इन लोगों को मेरे से कोई लालच नहीं है। लिटरली मैंने कोई इनको आज तक मेरे ख्याल से 5-6 बर्ड गए हैं। हमारा ताल्लुक बेशक बर्ड की वजह से बनना है, इस खूबसूरत हॉबी की वजह से बना है, लेकिन इनका जो जज्बा, जो शौक़ और जो मोहब्बत मैंने अपने लिए देखी है, इन्होंने ना मुझे आज के बाद अपना फ़ैन बना लिया। तो मैंने कहा यार आप सब भाइयों को भी मैं इस खुशी में शरीक करूं कि सर हमें हमेशा पॉजिटिव रह के और एक दूसरे की खुशियों में शरीक हो के, यार इनको क्या ज़रूरत थी कि ये केक लेके आए, रात 11:30 बज रहे हैं, मेरे पास आके बैठे हैं और इतना खूबसूरत उन्होंने विश किया है मुझे कि वो केक उस तरीके से लेके आए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका क्लोज़ व्यू दिखाता हूँ। लेकिन ये इनकी मोहब्बत थी, ये मोहब्बत किसकी वजह से थी? इस खूबसूरत हॉबी लबड़ की वजह से थी। हम इससे पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो पैसा हर बंदा कमाए, शौक भी करें, बर्ड सेल भी करें, लेकिन अपना दिल साफ करके और अपनी नीयत को साफ करके ही आपने आगे चलना है। असद भाई देखें, बेसिकली ये जो फील्ड है, इस फील्ड ने हमें बहुत सारा प्यार, मोहब्बत, ठीक है ना, दिया है, अच्छे रिलेशन दिए हैं और यही इस हॉबी की खूबसूरती है कि आपका जो अच्छा रिलेशन है ना वो आपको लॉन्ग टर्म आगे लेके चलता है। हॉबी के लिए भी वो फ़ायदेमंद है और आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। मुझे ये बताएं कि ये आइडिया आपको किधर से है? ये आइडिया हम तीनों का था, ठीक है ना। इसमें हमें जो लीड करते हैं वो बिलाल खुर्रम भाई हैं, ठीक है ना, ये हमारे गुरु हैं, ठीक है ना, ये मेन बंदे यही हैं, ठीक है ना। और जब हमने आपकी पोस्ट देखी तो हमें ये था कि हम कोई यूनिक काम करें, ठीक है ना, अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसे करें कि आपको भी फील हो कि नहीं फैंसियर भी अच्छे हैं और भाई भी अच्छे हैं कि जिन्होंने मोहब्बत के साथ ये काम किया है। सर जी मैं लिटरली कह रहा हूँ कि यार इन लोगों ने मेरा दिल जीत लिया है। और ज़रा बिलाल भाई से हमारी गप करवाएं। बिलाल भाई जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम असद भाई। बिल्कुल असद भाई, मेरी शुरू से कोशिश थी, ठीक है, कि जब मैं मुझे पता लगा कि आपने आपका ड्रीम कम्स ट्रू हुआ है। पहले आइडिया था लेकिन वो था कि अच्छा लिखा है शायद, कोई पता नहीं। हाँ जी बिल्कुल, तो इस तरह था, लेकिन जब हमने देखा है तो फौरन ख्याल आया कि नहीं यार बनता है, अपनों के लिए तो बनता है, ठीक है। देखें बर्ड्स हम बहुत जगहों से बाय करते हैं, ये सिर्फ ये ज़रूर है कि हम बर्ड की वजह से आपस में एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जो मोहब्बत बनी है वो बर्ड से बियॉन्ड है। हाँ जी, तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जी हमने बर्ड लिया है और अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस जी ये मोहब्बत के अंदर आपकी जो भी किया हमने ये मोहब्बत में किया। बिलाल में न्यू फैंसियर्स आ रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको भी 2-3 साल हुए हैं, तो ये भी आप सब भाइयों की तरह फील्ड में 3 साल पहले आए थे, इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। सर आप ज़रा मैसेज दें लोगों के लिए अपनी इस छोटी सी जर्नी के बारे में और जो बर्ड आपने क्वालिटी लगाई है, आपने कैसे काम किया है, सर वो ज़रूरी मैसेज भी ज़रा दे दें सारे लोगों। जी असद भाई, इस तरह है कि बिल्कुल मुझे मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस था बर्ड कीपिंग का ना, लेकिन प्रोफेशनली नहीं था, कभी कोई बर्ड रख लिया, शौकिया कभी कुछ रख लिया। तो जब ये देखा कि लव बर्ड, बेसिकली मैं भी फिजिबिलिटीज देख के ही आया हूँ, ठीक है, वीडियोस देख के ही आया हूँ,
लेकिन उसको मैंने अपने माइंड सेट के हिसाब से सेट किया। ये नहीं है कि जी सिर्फ सब्ज़ बाग देखे हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी डू और डोंट्स भी देखे हैं। मेरा शौक पहले था, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो बस उसको देखते हुए फिर मैं इसको एज अ प्रोफेशनली इसको डील किया, और डील करते करते फिर देखा कि हमेशा वो ही चीज़ बेहतर है जो कि क्वालिटी में है, ठीक है। तो हाँ जी बिल्कुल, तो बस उसको लेके आगे चलने की कोशिश की है, जो आपका लोगो है डोंट कम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, ठीक। अच्छा इधर होता क्या है बिलाल भाई नॉर्मली के अगर आप किसी जो है ना शौकीन के पास बैठे हैं तो नॉर्मली लोगों की ये सोच होती है कि नहीं यार ये तोता हमारे से ले, ये अब मेरे पास आए हैं ये केक लेके आए, मुझे आइडिया हो गया था कि इन्होंने ना कोई कम पा देता जाए। तो मैंने अंदर आते साथ ही आपको क्या बात की है कि जो आपने डनफलो का पेयर लिया है वो बहुत खूबसूरत पेयर लिया है, इस तरह ही बात है। और मैंने जब आपका मैसेज आया मैंने उसने भी आपको ये कहा कि मैंने इनको अप्रिशिएट किया कि यार जो आपने वो परचेजिंग किया है फैसलाबाद में, मेरे ख्याल से खूबसूरत तरीन डनफलो का पेयर ये भाई लेके आए हैं, और इन ये तीन आपस में ऐसे हैं अल्लाह ताला इनको ऐसे ही रखे, और इन्होंने ऐसे जो है ना जोड़ के बड़ी बरकत इस चीज़ में फील की, और ये मशवरा मेरे ख्याल से मैंने ही दिया था आपको कि यार आपने ऐसे चलना है। ये तीन भाई थे और वो भी इसी तरह सर्दियां थी और हम इधर इसी जगह पे बैठे थे। तो सर जी ये एक बड़ी खूबसूरत इनकी हॉबी है और इनके पास कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इन्होंने कभी बाढ़ नहीं लगाया, जैसे कि बिलाल भी कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से एक दो जोड़े डाइल्यूट के हैं, इसी तरीके से थोड़े से पेल फेलोज हैं कुछ, इन्होंने बहुत अच्छा कमर्शल पर काम की। अब यहाँ पे आते थे आपसे मुलाकात होती रही, बात अक्सर होती थी रेवो डालेगी, वीगो वीगो लेना है जी इंशाल्लाह ताला, मेरा ड्रीम है वीगो लेना है। तो सर वो जिस दिन आपकी पोस्ट आई थी कि वीगो आ गया, तो सर वो बड़ी हकीकत बात है क्योंकि आपके हमने जज्बात देखे थे, जो आपकी फीलिंग्स थी वीगो के लिए वो हमें सर उस टाइम बड़ी वो क्लियरली ना सामने आ गई वो सारी चीज़ें ना, वो जो पिछले जितने भी टाइम गुजरा है वो सारा, हाँ जी वो सारी गपशप ना सारी सामने आई कि यार माशाल्लाह फाइनली ड्रीम कम्स ट्रू, बिल्कुल ये सर बहुत ज़बरदस्त था। चीज़ नॉर्मली मशहूर है कि सर फैसलाबाद के शौकीन एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं है, वो लोग इकट्ठे नहीं हैं, तो मेरे ख्याल से यार जो आपने काम कर दिया है ना सर, ये उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये असद भाई हकीकत बात है, इसका भी ना आपका ही क्रेडिट जाता है इस चीज़ का, ये आपने हमें इकट्ठा किया, हम आपके पास ज़रूर आए इकट्ठे थे, पर आपने हमें ना एक नया रुख दिखाया कि एक ये भी रुख है, आप इस तरह से पेयरिंग करो और इसको साथ लेके चलो इकट्ठे चलो, वो अल्लाह का शुक्र है आपने ऐसा पौधा कह लें हमें बना दिया कि हम अल्लाह का शुक्र है बड़ा अल्लाह पाक ने सानिया करता गया मेरा मालिक ना, उसमें सारी सर आपकी दुआएं थी और भाइयों का माशाल्लाह प्यार है खलूस है सारा, बहुत आसानी रही अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक आपको तरक्कियां दे जी। एक चीज़ और मैं ऐड ये कर रहा हूँ कि वो ये है कि आप फिजिबिलिटी के सबज़ बाग ना देखें, आप ये जो इंस्पिरेशन है ना इस चीज़ को देखते हुए आगे चलें। बिल्कुल बिल्कुल, देखें आप आपके माइंड में होगा ना कि मैंने कल ये काम करना है, इस इंस्पिरेशन के साथ आप आगे जाएंगे ना तो वो बहुत स्ट्रांग होगा। मेरी तरफ से सब व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया जो लोग हमें देख रहे हैं, और इंशाल्लाह जी ऐसे मोहब्बतें बढ़ती रहेंगी और वीडियोज़ बनती रहेंगी, बिल्कुल वीडियोज़ भी बनती रहेंगी, मोहब्बतें भी बनती रहेंगी, और इंशाल्लाह जी इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ जी, जज़ाकअल्लाह। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह इन सब भाइयों की बड़ी मोहब्बत है, और अब हम जी अपनी इस खुशी में अपने सब व्यूअर्स को भी आपको भी साथ शरीक कर रहे हैं जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह सर बहुत शुक्रिया, सर बहुत शुक्रिया आपका, सर जी इसको ज़रा बिलाल भी ज़रा इसको बाहर निकाल के सर एक पीस दें, ये अब बनता है कि मैं आपको खुद अपने हाथ से खिलाऊँ, ज़रा ऐसे ही करें, ये साथ दूँ कुछ, ये लें सर इसी तरह ही दें। ये जी सबसे पहले हमने खिलाना है जी, हमारे बुज़ुर्ग भी हैं जुनेद भाई सर ये खाएं, बिस्मिल्लाह, काशिफ भाई आ जाएं सर, बिलाल भाई सर जी ये इसका जो है ना बिग क्रेडिट है आपको भी जाता है, ये आप सब भाइयों के लिए जो है ना एक देख लें, ये आप सब भाइयों के लिए एक सैम्पल है मोहब्बत का। सर छा गए मेरी तरफ से यार, कसम से मुझे ना इन लोगों ने आज किसी बोझ के नीचे मुझे फील हो रहा है कि इन्होंने मैं एहसान के नीचे आ गए हूँ आज इनके, यार अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और आप सब भाई जी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, एक मोटिवेशन है हम सब लवर्स के लिए, तो सर इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, जज़ाकअल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।